नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज से लगाएंगे जनता दरबार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आम लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम जनदर्शन आज यानी 27 जून से शुरू होगा। बता दें इसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। ये कार्यक्रम हर गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। झांसी में आज लगेगा रोजगार मेला। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय झांसी द्वारा आज कार्यालय परिसर में रोजगार मेला और करियर काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि रोजगार मेला में आए हुए अभ्यर्थियों की करियर काउंसलिंग के माध्यम से उनके उज्जवल भविष्य निर्माण के संबंध में मार्गदर्शन करते हुए जानकारियों से अवगत कराया जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच आज होगा मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच आज यानी 27 जून को रात 8 बजे से प्रोविंडिस स्टेडियम गुयाना में खेला जाएगा। बता दें कि मैदान में अब तक कुल 34 T20 इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें से 16 रन डिफेंड करने वाली टीम ने जीते हैं, वहीं 14 मैच रन चेंज करते हुए जीते गए हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में आज शुरू होगी प्रवेश परीक्षाएं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्नातक और परास्नातक कक्षाओं के लिए प्रवेश परीक्षाएं आज यानी 27 जून से प्रारंभ हो रही हैं। बता दें कि तैयारियों को लेकर कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बीते मंगलवार को समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षाओं को शुचितापूर्ण संचालन सुनिश्चित करने तथा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए निर्देश दिए। मुंगेर में आज होगी जल जमाव की समस्या पर निगम की बैठक। मुंगेर नगर आयुक्त निखिल धनराज में जल जमाव के निवारण के लिए आज 27 जून को निगम कार्यालय में एक बैठक आयोजित की। बता दें कि बैठक की जानकारी मेयर कुमकुम देवी, डिप्टी मेयर खालिद हुसैन के अलावा सभी 45 वार्ड के सदस्यों को बैठक में शामिल होने के लिए सूचित किया गया है। गोपालगंज में आज लगाया जाएगा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। मारवाड़ी युवा मंच की गोपालगंज शाखा द्वारा शहर के बंजारी रोड स्थित पेट्रोल पंप के परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि जिसमें 9 विशेषज्ञों डॉक्टरों की टीम द्वारा एक्सरे, दांत, आंख, सामान्य रोग सहित EGC की जांच की जाएगी। सुबह के 10 बजे से लेकर देर शाम 8 बजे तक कैंप लगेगा। लाखेरी में आज से होगी प्रायोगिक परीक्षा। लाखेरी शहर के महाराजा मूल सिंह डिग्री कॉलेज में प्रायोगिक परीक्षा आज 27 जून से शुरू होगी। बता दें प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह शक्तावत ने बताया कि कॉलेज में भूगोल विषय की प्रायोगिक परीक्षा आज BA तृतीय वर्ष और 28 जून को BA द्वितीय वर्ष के नियमित परीक्षा कराई जाएगी। जयपुर में आज से शुरू होगा PWD के 4 पदों के लिए आवेदन। जयपुर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर के 4 पदों के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। बता दें अभ्यर्थियों का अंतिम चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। सीहोर में आज होगा जन्म मृत्यु पंजीयन का प्रशिक्षण। सीहोर पोर्टल पर जन्म मृत्यु पंजीयन कार्य सरलता और सुगमता से करने के लिए एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण आज 27 जून को रखा गया है। बता दें कार्यशाला सुबह 11 बजे से शुरू होगी, दोपहर 3 बजे चलेगी। इसका आयोजन जिला पंचायत सभाकक्ष में किया जाएगा। सीकर में आज से होगी बारिश। सीकर में आज से बारिश होने की संभावना है। बता दें इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। वहीं सीकर में पिछले 4-5 दिनों से लगातार पड़ रही तेज उमस से लोगों को राहत मिलने वाली है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। सन 1839 में आज के दिन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध सिखों के महाराजा रणजीत सिंह का निधन हुआ था। 1964 में आज के दिन भारतीय खिलाड़ी PT उषा का जन्म हुआ। 2002 में आज के दिन G8 देश परमाणु हथियार नष्ट करने की रूसी योजना पर सहमत। 2003 में आज के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में समलैंगिकता पर प्रतिबंध रद्द हुआ था। 2006 में आज के दिन गुएन मिन ट्रायट वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए थे। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।